सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संपत कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फ्री में आप वकील का सहायता कैसे ले सकते हैं। आपका केस कोई भी कोर्ट में क्यों न हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, आप फ्री में वकील की सहायता ले सकते हैं कानूनी तौर पे। उसका जो भी फीस होगा वो फीस गवर्नमेंट वहन करेगी, यानी गवर्नमेंट देगी उस व्यक्ति को। आजकल के दौर में हर कोई व्यक्ति को कभी न कभी कोर्ट का चक्कर लग ही जाता है, और जब भी आपका कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वकील का। और आजकल वकील का फीस भी इतना ज़्यादा है कि सभी व्यक्ति इसको वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बाय प्रोसेस जानेंगे कि आप फ्री में वकील का सहायता कैसे ले सकते हैं और इसके क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। गरीब से गरीब तबके की व्यक्ति को कानूनी सहायता अच्छा से मिल सके, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 लाए हैं, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है वो फ्री में वकील का मदद ले सकते हैं। वकील का जो भी फीस होंगे उसको गवर्नमेंट खुद वहन करेगी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा उसका फीस का पैसा मिल जाएगा वकील को। ठीक है, इसको आसान भाषा में चलिए हम लोग समझते हैं। यदि आप कोई केस करते हैं, ठीक है, यदि आप इस अथॉरिटी के पास जाते हैं तो ये जो आपको वकील मुहैया करके देती है तो उस वकील का जो भी फीस होगा उस वकील को सरकार के तरफ से उतना पैसा मिल जाएगा, यानी आपको एक भी रुपया उस वकील को नहीं देना है। तो आपका सबसे पहले आपका केस जिस कोर्ट में चल रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, उस कोर्ट में लीगल एड नामक संस्था में जाएंगे आप, यानी कि उसका कार्यालय बना रहता है। ठीक है, लीगल एड या लीगल सेल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इस सेल में जाके आप लोग अपना केस से संबंधित सभी एविडेंस को देंगे, साथ ही एक प्रार्थना पत्र भी देंगे इसे फ्री में लीगल हेल्प के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका सभी कागजात का जांच किया जाएगा। उसके बाद वहाँ जुडिशियल क्लर्क भी होंगे, आप जो भी सवाल जवाब उससे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छा से आपको समझा देंगे, और उसके बाद आपको वहाँ से वकील प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। यदि सेकंड में चलते हैं, यदि आप जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है उस कोर्ट में आप कोई भी वकील के पास जाएंगे और उससे बोल देंगे कि हम लीगल एड का फॉर्म भरना चाहते हैं, मैं आपका फी नहीं दे सकता हूँ, तो वो खुद आपका प्रार्थना पत्र वगैरह जो भी होंगे वो तैयार करके वो लीगल एड को सबमिट कर, उसके बाद आपको वहाँ से वही वकील मिलेगा जिसके द्वारा आपने ये फॉर्म भरवाए हैं। वहाँ जो लीगल एड में फॉर्म मिलता है उसमें वकील वगैरह का नाम आप तो वहाँ प्रार्थना पत्र दे के भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यदि कोई वकील पसंद है तो उसके द्वारा यदि भरवाएंगे तो वो वकील आपको इसमें पूरा हेल्प कर देंगे। ठीक है, और आपका वही बात कर लेते हैं कि किन व्यक्ति को फ्री में कानूनी सहायता नहीं दी जाएगी। यदि आपने मानहानि का केस किए हैं तो आपको फ्री में कानूनी सहायता नहीं दी जाएगी। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई फाइन लगा दिया गया है तो ऐसे केस को चैलेंज करने के लिए भी आप फ्री में वकील नहीं कर सकते हैं। साथ ही कंटेंट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का यदि अवमानना का चार्जेज आप पे लग गया है तो इसे भी कोर्ट में चैलेंज करने के लिए आपको फ्री में वकील नहीं दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपने यहाँ पे जो भी कागज सबमिट करेंगे लीगल एड में उसका काफ़ी ध्यानपूर्वक पड़ताल किया जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एड यानी कि यहाँ से वकील का मदद आसानी से कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं, किस किस को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूर, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति और दिव्यांग, ये और साथ ही प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति, जैसे कोई भूकंप से पीड़ित व्यक्ति हो या फिर बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति हो, ठीक है, ये सब व्यक्ति, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, ये सुविधा का लाभ आसानी से ले सकते हैं। साथ ही ऐसे भी व्यक्ति इस सेवा का लाभ ले सकते हैं जिसका एनुअल इनकम यानी सालाना आय 1,00,000 रुपया से कम है, वो लोग को यहाँ से वकील फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप लोगों को मुझे देना था। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वकील लोग जो है, जो कोर्ट में कार्यरत है, वो अपना फीस लेने के चक्कर में आपको ये बात नहीं बताते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी देना आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, और आप लोग का अब ये है कि आप ये वीडियो को अपने मित्र को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सभी को इसके बारे में जानकारी दें। मैं ऐसा ही वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आता ही रहूँगा।